आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपको बुध ग्रह को मजबूत करना है आपके जीवन में, शुक्र ग्रह को मजबूत करना है आपके जीवन में। शुक्र और बुध को मजबूत करने के लिए आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वाइट सफ़ायर और एमरल्ड धारण कर सकते हैं। वाइट सफ़ायर हमें सफ़ेद धातु में धारण करना चाहिए। वाइट सफ़ायर के लिए सबसे अच्छी उंगली हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, लेकिन कई लोग आपको मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में भी वाइट सफ़ायर पहनने का परामर्श देते हैं, किंतु हमारा जो पाम है जिसके अंदर इन ग्रहों के चक्र होते हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली जेमस्टोन का जो मेन पर्पस होता है रिंग्स में पहनने का वो ये होता है कि हमारी फिंगर जहाँ कनेक्टेड होती है हमारे पाम से, उन पाम में सब ग्रहों के अलग अलग चक्र होते हैं जिन चक्रास का हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कनेक्शन होता है। तो जेम्स जो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लैनेटरी एनर्जी है, वो हमारे जब फिंगर के साथ कंटिन्यूसली टच में रहती है तभी हम लोग जो वैदिक अंगूठियां बनाते हैं, ज्योतिष अंगूठियां बनाते हैं, उसमें रतन को हमेशा हम कोशिश करते हैं हमारी स्किन के साथ, बॉडी के साथ टच होकर रहे हर समय, ताकि उसकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर सके। तो शुक्र का जो चक्र है वो हमारे हाथ में यहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा थंब हमारे पाम से कनेक्टेड होता है। तो जो फिंगर सबसे क्लोज है हमारे शुक्र के चक्र से वो है हमारी इंडेक्स फिंगर। इसलिए शुक्र के लिए आपको लोग मिडिल फिंगर बताएंगे, रिंग फिंगर बताएंगे, किंतु हमारे अनुसार आप शुक्र का रतन अपनी फर्स्ट फिंगर में धारण करें तो आपको सबसे अच्छा उसका एनर्जी ट्रांसफ़र मिलेगा। बुध का रतन एमरल्ड आपको छोटी उंगली में धारण करना चाहिए, इसके अनुसार यहाँ पर चक्र होता है बुध का, इसमें आपको बुध का रतन धारण करना है। और शनि और बृहस्पति आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार नेगेटिव प्लैनेट हैं। कुछ लोग आपको शनि का जेमस्टोन पहनने के लिए राय देंगे अकॉर्डिंग टू विनायक जी, किंतु आपको ध्यान रखना है कि शनि का आपने जहाँ रतन धारण किया वहाँ आपने शनि भगवान के एनर्जी को अपने जीवन में आपने बढ़ा दिया, और एनर्जी हमको अपने जीवन में उस ग्रह का कभी नहीं बढ़ाना है जो ग्रह हमारे जीवन में हमें पनिश कर रहे हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे जीवन के अनुसार नेगेटिव ग्रह हैं, उनका हमेशा हमको रेमेडी करना है, उसका रतन नहीं धारण करना है। ये मिस्टेक बहुत लोग मार्केट में कई एस्ट्रोलॉजर्स और कई जेम्स बेचने वाले कर देते हैं कि आपको उस प्लैनेट का रतन बना देते हैं जिस प्लैनेट की आपकी दशा अंतरदशा चल रही है, जो प्लैनेट आपके लिए हार्मफुल है, बिना जाने बिना ये चीज़ समझे कि जेम्स ने करना क्या है। जेम्स सिर्फ उस प्लैनेट की, जिस प्लैनेट का वो जेमस्टोन है, जेम्स सिर्फ उस प्लैनेट की एक सेम कॉस्मिक एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं। वो वाइब्रेशंस उस जेम में एक्यूमुलेटेड हैं जो हम लोग अपने बॉडी में बढ़ा रहे हैं। हमारा बॉडी एक जैसा हमने पहले भी अपने वीडियोज में बताया, हमारा जो ये शरीर है ये एक रेडियो एक्टिव मीटर है, आप समझ लीजिए, जो ग्रहों की एनर्जीज़ को हम लोग अपने बॉडी से हम उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम उस चीज़ की मीटर को स्ट्रांग नहीं करेंगे अपने शरीर में जो प्लैनेट हमारे लिए हार्मफुल है, हमें उसको शांत करना है उन चक्रों को। इसलिए हमें शनि का रुद्राक्ष धारण करना है या शनि का हमने रेमेडीज़ करनी है, शनि का हमने डोनेशन करना है, शनि को हमें शांत करना है हमारे जीवन में। दूसरा, आपके लाइफ में जो प्लैनेट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली नेगेटिव है वो है बृहस्पति, इसलिए आपको बृहस्पति का जाप पाठ या शांति यज्ञ कराना चाहिए। आप किसी अच्छी जगह से बृहस्पति शांति पाठ और यज्ञ कराएं। उसका सर कितना जाप होता है बृहस्पति का? 16,000 आप वैदिक मंत्रों का जाप कराएं और उसका एक यज्ञ भी कराना पड़ता है। उस यज्ञ को जरूर कराएं किसी अच्छे प्रॉपर ब्राह्मण पंडितों से जिनको प्रॉपर विधि विधान से यज्ञ और पाठ और जाप करना आता हो, तभी आपको उसके बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप नहीं करा पाएं किसी अच्छी जगह से, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्योर ऑथेंटिक वैदिक पंडित से, अगर आप शांति पाठ यज्ञ कराना चाहते हैं। किंतु अगर आप नहीं करा पाएं तो आप बृहस्पति का पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप विष्णु जी की जितनी आप पूजा कर सकें, मंत्र चैंटिंग कर सकें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकें, वो भी आपको बृहस्पति के नेगेटिव प्रभावों से आपको प्रोटेक्शन देगा।